सर बहुत दुख का विषय है, इतना बड़ा झंडा परिसर में लगा हुआ है और किसी भी रेलवे के आला अधिकारी हो चाहे यहाँ के वर्कर हो, किसी का ध्यान नहीं दिया हुआ है कि चार दिन से झंडा फटा हुआ लग रहा है। हाल ही 15 अगस्त भी गई है, उसके बावजूद भी लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया हुआ। और अभी हम युवा कांग्रेसी और हमारे यहाँ स्टेशन परिसर के भाई हमारे संजय भाई, हम लोग एसएस साहब से मिल करके आए, गोयल साहब से, और उनको हमने यही कहा है कि या तो आज की तारीख में आप झंडे को चेंज करें या इसको सही कराएं या उतरवाएं, उतरवा के ठीक करा करके आप लगाएं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि तुरंत प्रभाव से उन्होंने बुलाया भी है लोगों को और उनको ध्यान भी आकर्षित कराया। लेकिन बात ये आती है कि आज वो इतने पद पर बैठे हुए हैं गोयल साहब, एसएस साहब, क्या उनको चार दिन से झंडा फटा नज़र नहीं आ रहा क्या, कि उनको किसी चीज़ से अवगत नहीं है? तो उनको जब हम बात करने गए तो उनको खुद को नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन हमने उनको ध्यान आकर्षित करवाया। अगर आज की तारीख में या कल की तारीख में अगर ये झंडा ठीक नहीं होता है तो हम युवा साथी, कांग्रेस साथी दोबारा आएंगे, गोयल साहब का धरना करेंगे, गोयल साहब के धरने पर चैम्बर बैठेंगे अगर झंडा ठीक नहीं होता है। सुनील लारा, डॉक्टर सुनील लारा, प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव। आज हमने इस चीज़ के लिए एसएस गोयल साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमारे को पूर्ण आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों के अंदर इसका पूर्ण काम होगा, तथा और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि उनको इस चीज़ की कोई सूचना नहीं है कि झंडा फटा हुआ है, और उन्होंने हमारे को ये बोला है कि जल्द से जल्द इस चीज़ का काम होगा। प्रशासन के ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी इस पर, प्रशासन इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, और अगर इसकी कार्रवाई आगे नहीं हुई तो हम सब मिलकर, यूथ कांग्रेस के हैं जो, हम सब मिलकर यहाँ पर धरना देंगे, उनके चैम्बर के बाहर बैठ के धरना देंगे। और उन्होंने हमारे को पूर्ण आश्वासन दिया है कि ये काम जल्द होगा और जरूर। आपका नाम? मोहम्मद कैफान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, उपाध्यक्ष पद। जी, यहाँ कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, ना तो कोई आरपीएफ, ना कोई जीआरपी, कोई भी रेलवे के कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, ना कोई आला अधिकारी इस पर ध्यान देता है। और अगर कोई ध्यान भी देता है और इसको उतार देते हैं तो करीब करीब इसको 5 से 10 दिन वापस लगाने में लग जाते हैं। हमारे कहे बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। आपका नाम? सुनील कंजर, ऑटो रिक्शा यूनियन।